पीएचपी के मेन क्रड ऑपरेशंस के अंदर हमने क्रिएशन और सिलेक्शन को देख लिया है। आज हम अपडेशन और डिलीशन को देखने जा रहे हैं। डाटा को अपडेट और डिलीट करने के लिए जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने नेम, ईमेल और डेट तीन कॉलम्स बनाए थे, यहाँ पे आपके सामने हैं। अब हम इसके साथ एक ऑपरेशन का कॉलम बना लेते हैं जिसके अंदर हम एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी को भी डाल देंगे। इस चीज़ के लिए मैं दोबारा से अपने होम पेज यानी कि index.php में वापस जाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्म बना हुआ है और उसके बाद ये हमारे पास इधर एक टेबल है जिसमें हमारे पास नेम, ईमेल और डेट पहले से लिखा हुआ है। इसके साथ मैं एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं ऑपरेशंस रख लेता हूँ और यहाँ पे इसी तरह इको हम कर लेंगे और इस इको के अंदर हम एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी के लिए TD1 लगा लेते हैं। इस TD टैग को बंद कर लेते हैं यानी कि टेबल डाटा, और इसके अंदर हम दो तरह के AH एंकर टैग्स लगाएंगे। एक एंकर टैग हम लगाएंगे एडिट के लिए और दूसरा हम एडिट टैग लगाएंगे डिलीट के लिए। फर्स्ट एंकर टैग हमारा है edit.php और इसको हम पहले यहाँ पे बंद कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं एडिट, एक हम स्लैश डालते हैं और इसी तरह से एक एडिट रेफ हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं जिसका काम होगा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करना, और एडिट की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिलीट। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। आपके सामने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमारे पास एडिट और डिलीट दोनों फंक्शनैलिटीज आ गई हैं। अब हम चाहते ये हैं कि जब भी हम एक स्पेसिफिक फील्ड या एक स्पेसिफिक रो के किसी एक स्पेसिफिक एडिट ऑपरेशन को क्लिक करें तो उसका डाटा नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह से ही आ जाए, लेकिन जैसे यहाँ पे अहमद लिखा हुआ है वो अहमद इस नेम की फील्ड में आ जाए, इसके ईमेल ऑटोमेटिकली इस ईमेल के अंदर आ जाए। तो इस काम को हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी क्यूरी को एडिट करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा पेज का नाम। पेज के नाम लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन डालते हैं। दिस मीन्स कि हमारा पेज नेम मुकम्मल हो गया है। अब हम वेरिएबल के नेम्स को डिफाइन करने लगे हैं जिनको हम नेक्स्ट पेज पे गेट के मेथड के थ्रू कॉल करेंगे या फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ ID=, अब यहाँ पे मैं इसकी ID डालूंगा। आपको पता है ID को डालने के लिए सबसे पहले मैं अपनी इस इको की बार को यहाँ से लेके यहाँ तक बंद करूंगा और दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। इन दोनों को कॉन्केटिनेट दरमियान में करने के लिए मुझे डबल डॉट की जरूरत पड़ेगी और इसके अंदर जिस तरह से मैंने DU भी लिखा था मैं इस रो के अंदर ID लिख लेता हूँ। तो जोन सी ID मेरे पास मेरी DB के अंदर इधर पड़ी होगी वो ID ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पे आ जाएगी। इस चीज़ को मैं ID के अंदर सेव कर लेता हूँ और एक बार जाके हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब आप अगर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में चेक करें आपको नज़र आ जाएगा आपकी स्पेसिफिक ID। जब भी मैं अपने रो को चेंज करता हूँ उसके साथ इसकी ID भी चेंज हो जाती है। अब हम एक पेज बना लेते हैं edit.php के नाम से। क्योंकि मैंने काम index.php ही जैसा करना है इसीलिए मैं इसी पेज को एक बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसका नाम यहाँ पे एडिट रख रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके टाइटल को मैं कह देता हूँ एडिट डेटा इन PHP यूजिंग MySQL डेटाबेस। इसके अंदर सेम मैंने यह ईमेल का जो फंक्शनैलिटी थी एज इट इज रहने दी, और यहाँ पे जो मैंने PHP का काम किया हुआ था इस काम को मैं यहाँ से अब कट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एडिट के पेज के अंदर अपने टेबल को शो आउट नहीं कराना, इसीलिए मैं इस टेबल को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और अपने इस स्क्रिप्ट के बाद अपने जो PHP मैंने भी नीचे डिफाइन की थी वो एज इट इज़ यहाँ पे रीडिफाइन कर दी। सबसे पहले मेरे पास जो डाटा आ रहा है पिछले वाले पेज से वो बाय गेट मेथड आ रहा है, उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे फेच करूँगा। एक न्यू वेरिएबल का नाम डिफाइन किया ID
विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जोन से मेथड से मैंने डेटा को फेच करना है, आपको पता है वो हमारे पास अभी गेट का मेथड है, तो मैं यहाँ पे गेट आईडी लिख लेता हूँ। और ये आईडी बेसिकली कौन से वाली आईडी है जो मैंने जहाँ पे ये आईडी डिफाइन की है, ये सेम आईडी वही वाली आईडी होनी चाहिए जो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आईडी इस आईडी में आके स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम अपने डेटाबेस के कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेंगे, क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर इन्फो। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो सी आईडी है वो मेरे पास इधर आ रही है, तो मैं इस आईडी को लिखने के लिए इसको कॉन्केटिनेट कर दूंगा डॉलर आईडी के साथ। इसका रिजल्ट जब भी क्यूरी रन होगी इसका रिजल्ट आके इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि मुझे पता है कि मेरे पास हमेशा एक ही रो रिटर्न होनी है, इसलिए मैं अपने इस वाइल लूप को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। अभी मुझे इसके अलावा यहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अपने काम को हम यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं और नीचे फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। फॉर्म में हम प्लेस होल्डर के साथ एक और यहाँ पे चीज़ ऐड करेंगे जिसे हम कहते हैं वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर हम दोबारा से अपनी PHP को स्टार्ट करेंगे। PHP को स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन मार्क PHP और एंडिंग में दोबारा से ये वाला साइन आ जाता है, और इसके अंदर हम इको करवा लेंगे हमें यहाँ पे चाहिए नेम, कौन सा नेम जो हमारे पास रो की फील्ड के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको कह देंगे कि नेम को शो आउट कर दो। इसी तरह ही इसी ही चीज़ को हम एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं और अपने ईमेल की फील्ड के अंदर भी यही सेम चीज़ पेस्ट कर देते हैं। और अभी हम DOB यानी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर रहे, सिर्फ हम नेम और ईमेल को चेक कर रहे हैं। हम वापस चलते हैं और यहाँ पे जाके अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और एडिट पे क्लिक करके चेक करते हैं। आपके पास अभी यहाँ पे भी अहमद है, यहाँ पे भी अहमद, इसीलिए है कि हमने यहाँ पे इसको नेम रहने दिया है। इसको चेंज करके हम यहाँ पे ईमेल कर लेंगे, सेव करते हैं, वापस इस पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ईमेल आ गई है यूज़र की। अब हमारा काम नेक्स्ट ये है कि यूज़र यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करके कोई दूसरी वैल्यू दे सकता है, और जब वो ऐड माय रिकॉर्ड पे क्लिक करे तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाए। उसके लिए मुझे एक्शन के अंदर यहाँ पे इसको कहना पड़ेगा अपडेट डॉट PHP, यानी कि अब ये कौन से वाले पेज पे जाएगा, अपडेट के अंदर जाएगा। और जब भी फॉर्म आपका सबमिट होगा सबसे पहले माई फंक कॉल होगा, माई फंक से आपका ईमेल एड्रेस जो उनसे वैलिडेट होगा, और उसके बाद पोस्ट मेथड के थ्रू ये अपडेट डॉट PHP के अंदर हमारे डाटा को ले जाएगा। अब हम अपडेट डॉट PHP वाली फाइल में चले जाते हैं, यानी कि अब हमें एक और फाइल बनानी है जिसका नाम अपडेट डॉट PHP रखना है। तो मैं इस इंसर्ट डाटा वाली फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ अपडेट डॉट PHP। इस फाइल को हम ओपन करते हैं, DOB को हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर फिर से सबसे पहला काम है यूज़र नेम और यूज़र ईमेल, इन दोनों को हम गेट कर रहे हैं, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल को। और इसके बाद कनेक्शन हमने डेटाबेस से इस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे क्यूरी हमारी इंसर्ट की नहीं लगनी, यहाँ पे अब हमारे पास क्यूरी अपडेट की लगनी है। अपडेट अपडेट की क्यूरी के अंदर सबसे पहले आता है आपके टेबल का नाम, और उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं और अपडेट यूज़र इन्फो सेट के बाद मेरे पास इसमें नेम आ जाएगा, और ये नेम जो सा है मेरे पास DB से आ रहा है जो कि मेरे पास इधर लिखा हुआ है नेम, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सेट नेम इक्वल टू। अब मुझे सबसे पहले अपने पास इस क्यूरी को और इसको बंद करना है और इस नेम को कॉन्कैटिनेट करना है। इस नेम को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे सबसे पहले डॉट और डॉट के बाद डॉलर नेम, फिर से डॉट डालूंगा मैं। अब मेरे पास सबसे पहला वेरिएबल ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, जिसमें मेरे पास मैंने बता दिया कि नेम को
इस नेम के इक्वल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दरमियान में इसके एक कॉमा डाल लेंगे। हमने एक कॉमा डाला और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है ईमेल, विच इज आल्सो इक्वल टू। अब दोबारा से हम एक बार इसको पहले बंद कर देंगे और अब कॉन्केटिनेट के लिए डॉट का साइन और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ईमेल और फिर दोबारा से हम इसको कॉन्केटिनेट कर लेंगे अपने सिंपल टेक्स्ट के साथ और इसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देंगे वेयर आईडी इक्वल टू। और अब हमारे पास जोन सी आईडी पिछले वाले पेज से आ रही थी, यानी कि जहाँ से जो आईडी हमारे पास आ रही थी, इसको अब हम नेक्स्ट वाले पेज पे भी भेजेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट वाले पेज पे इसकी आईडी को हम किस तरह से भेज सकते हैं। अब उस आईडी को भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और मेथड है कि मैं जब फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो इनपुट टाइप का एक हिडन बार एक और बना लो, यानी कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू आईडी, और यहाँ पे मैं इसको इसकी वैल्यू दे दूँ और इसकी वैल्यू के अंदर जो मेरे पास पहले वैल्यू आ रही है एज इट इज वही रखवा दूँ। और वो मेरे पास क्या है, पहले मैंने इसको स्टार्ट किया पीएचपी के टैग को, पीएचपी को टैग को मैंने फिनिश किया और इसके अंदर मैंने इसको दे दिया इक्वल डॉलर आईडी। तो हम यहाँ पे इसको इसकी आईडी को पास आउट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और चल के देख लेते हैं कि यहाँ से डॉलर आईडी इक्वल टू, दोबारा से हमारे पास जो मेथड है वो पोस्ट का ही है, तो हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा और इसके अंदर हमारे पास अब आ गया आईडी और इस आईडी को हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं विद कॉन्केटिनेशन डॉट और अब आ जाएगा डॉलर आईडी। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले, यानी कि यहाँ से मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, तो मैं इसको अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और सबसे पहले आपको आपकी ये जो क्यूरी है एक बार शो आउट करवा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको इको और यहाँ पे डॉलर क्यूरी, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इस एडिट को हम रिफ्रेश करते हैं। और अगर मैं इसकी जगह अली लिख देता हूँ और सिंपल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये क्यूरी आ रही है, अपडेट यूजर इन्फो सेट नेम इक्वल टू अली, ईमेल इक्वल टू आगे उसकी ईमेल, वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो हम वापस चलते हैं और हमें यहाँ से ये पता चला कि हम एक स्पेस दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम यहाँ पे जाके अपनी इस इको की लाइन को अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम कहते हैं कि अगर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो इसको यहाँ से रिडायरेक्ट करते हैं। रिडायरेक्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हेडर और हेडर के अंदर हम इसको दे देते हैं लोकेशन और लोकेशन पे हम इसको पाथ दे देते हैं। तो ये कहाँ पे चला जाए, इंडेक्स डॉट पीएचपी में चला जाए, एल्स जो सा एरर है उस एरर को शो आउट करवा दे। अब हम वापस चलते हैं, एक बार बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, इस अहमद की जगह पे हम अली देते हैं और यहाँ पे से कहते हैं ऐड माय रिकॉर्ड। तो आपके सामने यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ गया। तो हम इस क्यूरी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है, ये जो डेटाबेस है उसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एक इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं इधर और सेम हम ये इन्वर्टेड कॉमा इधर भी दे देंगे।
काम को सेव कर लेते हैं और अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आपका रिकॉर्ड चेंज हो गया। हम यहाँ पे किसी एक और को चेक कर लेते हैं, इस अली को अब हम कोई दूसरा नाम दे के चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं तो आपके सामने अब ये अपडेट हो गया। अब सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट को करने के लिए हम वापस जाते हैं अपनी इस फाइल के अंदर जहाँ पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है जो कि हमारी होम फाइल है, और यहाँ पे अब हम डिलीट का काम कर लेते हैं। डिलीट का काम करने के लिए हमने जिस तरह से यहाँ पे एडिट को पाथ दिया था, सेम यही काम हम डिलीट के लिए भी करेंगे। तो इतने से एरिया को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपके सामने पेस्ट कर दिया। इस काम को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा delete.php। तो हम वापस जाते हैं और यहाँ पे इसी इंसर्ट वाली फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंसर्ट डेटा, और इसका नाम मैं रख देता हूँ delete.php। हम इस फाइल के अंदर आ गए और आते साथ ही सबसे पहले मुझे अब इसमें सिंपल आईडी गेट करनी है। तो आईडी को गेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ $id इज इक्वल टू मेथड जो मैं पीछे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो गेट का है, और गेट के अंदर से मैं इसको आईडी सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और इसके बाद हम अपने यहाँ पे डिलीट की क्यूरी लिख लेते हैं। तो डिलीट की क्यूरी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम, आगे मेरे टेबल का नाम, टेबल के नेम के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और टेबल का नाम है यूजर इन्फो। इस नेम को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, डिलीट फ्रॉम यूजर इन्फो वेयर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास इसकी आईडी आ जाएगी और आईडी भी हमारे पास पड़ा हुआ है $id। इस काम को सेव करते हैं और अगर ये क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ से ये रिडायरेक्ट करते होम पेज पे जो कि मेरे पास है index.php। काम को हम सेव करते हैं, वापिस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब हम एक स्पेसिफिक अली को डिलीट करते हैं। आपके सामने यहाँ से अली डिलीट हो गया। अगर आपने यहाँ से रिकॉर्ड किसी को भी एक को एंटर करना है, आपके सामने इसको आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे कहते हैं कि ईमेल का पैटर्न सही नहीं है, तो हम ईमेल का पैटर्न यहाँ पे दे देते हैं इसको, कोई भी इस वन की जगह पे 21 कर लेते हैं। ईमेल का पैटर्न आपके सामने इंसर्ट हो गया। इसको भी आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट रिडायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इस अहमद के रिकॉर्ड को एडिट करना चाहें, एडिट के पेज पे चले गए, अब अहमद की जगह पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अभी अब्दुल्ला लिख दिया। यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड आपका चेंज हो गया, और अगर आप इसी अब्दुल्ला को चेंज करना चाहते हैं तो इस मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं।